आज हम बनाने जा रहे हैं खीर की रेसिपी। ये खीर की रेसिपी बहुत ही आसान है और किसी भी शादी पार्टी या कोई भी घर में त्यौहार हो या कुछ भी मीठा खाने का मन हो तो आप इस खीर को ट्राई कर सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, लव कुश किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हमारी खीर की रेसिपी शुरू करते हैं। खीर बनाने के लिए हमने सबसे पहले 200 ग्राम चावल लिए हैं। खीर बनाने के लिए हम छोटे वाले चावल ही लेंगे। ये चावल फटाफट गल जाते हैं और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। चावल को हम 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे और इसके बाद आधे घंटे तक भिगो के रख देंगे। चावल के धो के हम ढक के रख देंगे साइड में। तब तक हम दूध गर्म कर लेते हैं। एक बर्तन के अंदर हमने 1 लीटर दूध लिया है। खीर बनाने के लिए हमें फुल क्रीम दूध की ज़रूरत होती है ताकि हमारी खीर भी स्वादिष्ट बने। अगर आपके पास अगर पतला दूध है तो आप उसके अंदर 4 से 5 चम्मच मलाई ऐड कर दीजिए। फुल क्रीम दूध तैयार हो जाएगा और खीर भी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। लेकिन मैं ये खीर फुल क्रीम दूध से बना रही हूँ तो भी इसके अंदर मैं मलाई ऐड करूँगी ताकि हमारी खीर और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बने। दूध के अंदर जैसे ही उबाल आ जाए तो इसके अंदर हम 200 ग्राम चावल डाल देंगे। चावल डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टेस्टी और स्वादिष्ट खीर बनाने के लिए हमें पूरे पके हुए चावल के अंदर ही चीनी का इस्तेमाल करना है। अगर हम आधे पके हुए चावल के अंदर चीनी डाल देंगे तो हमारे चावल पकेंगे नहीं और ना ही हमारी खीर गाढ़ी होगी और ना ही हमारी खीर स्वादिष्ट बन के तैयार होगी। इसलिए हमें पूरे चावल पक जाने के बाद ही इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल करना है। इस दिवाली लक्ष्मी पूजन पर आप इस तरीके से खीर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जैसे ही चावल आधे पक जाए तो इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स में हमने सबसे पहले 2 चम्मच किशमिश लिए हैं। किशमिश डाल देंगे और 7-8 बादाम को हमने बीच में से कट करके ले लिया है और 7-8 काजू को भी हम बीच में से कट करके खीर के अंदर डाल देंगे। 1/2 चम्मच हम हरी इलायची का पाउडर डाल देंगे ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। और 3 चम्मच हम इसके अंदर नारियल का बुरादा डाल देंगे। नारियल का बुरादा खीर के अंदर डालने से हमारी खीर गाढ़ी ही बनती है। सभी ड्राई फ्रूट्स को हम डाल के खीर के अंदर मिक्स कर देंगे और 5 से 7 मिनट तक मीडियम आंच पर हम खीर को पका लेंगे। जब तक खीर गाढ़ी ना होए जब तक हम इसे पकाते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हल्का सा कलर चाहिए खीर के अंदर तो आप 7-8 धागे केसर के दूध के अंदर भिगो के खीर के अंदर डाल सकते हैं। इससे हमारी खीर और भी ज़्यादा स्वादिष्ट और गाढ़ी बनके तैयार होती है। जैसे हमारे चावल पक जाएंगे तो इसके अंदर हम 1 कटोरी चीनी ऐड कर लेंगे। चीनी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चीनी डाल के खीर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी डालते ही खीर को और भी ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हमने यहाँ पे 4 चम्मच दूध की मलाई ली है। जो दूध के ऊपर से जो मलाई जम जाती है उस मलाई को हम निकाल के खीर के अंदर ऐड कर लेंगे। ये हमने फ्रेश मलाई ली है। खीर के अंदर मलाई डालना ऑप्शनल है। अगर आपके पास मलाई है तो आप इसके अंदर मलाई डाल सकते हैं, वरना मलाई को आप स्किप भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। ये हमारी खीर बनके तैयार है। खीर को हम सर्व कर लेंगे।
आप बताइए आपको खीर की रेसिपी कैसी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।